गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट डेट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इज कंटिन्यू. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इज इट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सो लेट्स सी द डेफिनेशन. ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लिसन स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल यू विल सी, देखिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हियर, दिस इज ए केमिकल इक्वेशन. यू नो आयरन इज सॉलिड एंड कॉपर सल्फेट इज साल्ट. जब कॉपर सल्फेट साल्ट को आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये एक्वस फॉर्म में आ जाता है. ओके, तो देखिए क्या होता है. अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का. ओके, ब्लू सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट साल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं. तो अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ब्लू सॉल्यूशन जो है अपीयर होगा आपको, कॉपर सल्फेट. जब कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन है उसके अंदर एक आयरन नेल, लोहे की कील डुबो देते हैं. देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इमर्ज्ड इन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ओके, कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में अगर आप लोहे की कील डुबोएंगे तो क्या होगा? ओके, तो देखिए यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. ये जो आयरन है, ये जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट कंपाउंड है, इससे कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. देखिए इस कॉपर को यहाँ से हटा देता है और इसकी जगह खुद लग जाता है. तो देखिए क्या बनेगा. तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो टर्न हो जाएगा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, या आयरन सल्फेट सॉल्यूशन भी आप इसे बोल सकते हैं. ओके, जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होगा. तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में आयरन नेल को डुबोया जाता है तब आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. सो आप रिजल्ट देखेंगे, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा, मतलब ब्लू सॉल्यूशन जो है, ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो फेडेड हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा और ग्रीन में टर्न हो जाएगा. और ये देखिए कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है यहाँ. तो यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. देखो आयरन एक एलिमेंट है आप देखिए, और कॉपर भी एक एलिमेंट है. मैंने आपको यही तो बताया कि जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखिए इसको हम समझते हैं, इसमें होता क्या है. जैसे ही ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका कलर है ब्लू. ओके, जब इसके अंदर आप एक लोहे की कील डुबोएंगे, ये एक आयरन नेल है, याद रहे आपको एक साफ आयरन नेल लेना है, मतलब उस पर जंग नहीं लगा हुआ होना चाहिए, एकदम सैंड पेपर से साफ करके फिर आपको डुबोना है. तो ये जो आयरन एलिमेंट है, आयरन नेल में आयरन एलिमेंट ही होंगे, आयरन एलिमेंट जो है सॉल्यूशन में आ जाएंगे और ये जो कॉपर सल्फेट है इससे कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे. सो रिजल्ट में क्या बनेगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बोल दीजिए या फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बोल दीजिए. तो कहने का मतलब ये है, जब कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में आयरन नेल डुबोते हैं
तो उसका ब्लू कलर गायब हो जाता है और वो धीरे धीरे फिर ग्रीन में बदल जाता है क्योंकि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। और ये जो डिस्प्लेस्ड कॉपर है, जो डिस्प्लेस हो जाता है, वो इस लोहे की आयरन नेल के जो है सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। तो जैसे ही आप इस लोहे की कील को बाहर निकालेंगे तो इसकी जो सरफेस है वो ब्राउनिश कलर की आपको अपीयर होगी, क्योंकि जो डिस्प्लेस्ड कॉपर है, ये जो डिस्प्लेस्ड कॉपर, जो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, वो उस आयरन नेल की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हियर आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट्स, सो एज द रिजल्ट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ओके, दैट्स व्हाई द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड टर्न इनटू ग्रीन, बिकॉज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अकर्ड। वी कैन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेन जिंक ग्रेन्यूल्स, जब जिंक मेटल के जो टुकड़े हैं, वेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर पोवर्ड इन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में जिंक मेटल के टुकड़े डालेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, सो जिंक सल्फेट साल्ट बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अलावा देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। देखिए, आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज पावर्ड ऑन द जिंक ग्रेन्यूल्स, आपको ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी, जब जिंक ग्रेन्यूल्स पे, जिंक मेटल के टुकड़ों पे सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, तो यहाँ भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, सो जिंक सल्फेट साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी जो उड़ जाएगी। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब एक हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे। ओके, देखिए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे कॉपर को अगर फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, कॉपर मेटल के कुछ टुकड़े अगर फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिए जाए तो यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी? तो आपका आंसर होगा नो रिएक्शन इज अकर्ड, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है उसकी रिएक्टिविटी आयरन से कम है, तो ये आयरन को जो है डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ओके, ओनली ए हायर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस इट्स लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपको रिएक्टिविटी का कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, विच वन इज़ लेस रिएक्टिव, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, स्पेशली मेटल्स की बात मैं कर रहा हूँ, जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो हम रिएक्टिविटी सीरीज से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ये देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ओके, और ये किस प्रकार से अरेंज किया गया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी व्हेन वी मूव अप टू डाउन, जैसे ही आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी जो है रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है पोटेशियम सोडियम मेटल्स की, सबसे कम रिएक्टिविटी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इन मेटल्स की है। तो इस प्रकार आप देखिए, जैसे जिंक आयरन के ऊपर आ रहा है, मतलब जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है तो जिंक डिस्प्लेस कर सकता है। देखिए कॉपर से ऊपर आ रहा है जिंक और आयरन दोनों, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। सॉरी, यू मस्ट रिमेंबर ओनली हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस इट्स लोअर रिएक्टिव एलिमेंट व्हेन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अकर्ड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इससे आप डिफरेंट जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज इज इस टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ओके, इन विच दे आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी। जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ओके, सो आप देखिए, कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन देखिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है,
बिकॉज दे आर हायर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके बेस पे जो है हम लोग रिएक्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स की। देखिए ये हाइड्रोजन, जितने भी एसिड्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन होगा। तो ये देखिए आप, हाइड्रोजन यहाँ ये इंडिकेट किया गया है, ये केवल एसिड और मेटल की रिएक्शन को इंडिकेट करने के लिए ही रखा गया है। यहाँ हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल्स आ रहे हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे देखिए जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, ओके, जिंक यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दे कैन रिएक्ट विद एनी एसिड, वो किसी भी एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर लेस रिएक्टिव, या लीस्ट भी बोल सकते हैं, सबसे कम, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड, वो किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर लोअर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्शन करते हैं, नहीं करते हैं, और ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्शन करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कम्प्लीटली नोन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द लेक्चर इज फिनिश्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।